hey guys welcome to my channel bio achievers this is your purti mam Ma and in this video we will discuss the important questions of biotechnology and its application chapter number 12 an updated pyq 2021 to 2011 it is available on my telegram channel and you can also follow me on the instagram so let's get started pcr technique was invented by pcr means polymerase chain reaction technique so the answer is the carry Mullis. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीन थेरेपी वो भी पहली बार किस डिजीज़ के लिए किया गया था तो आंसर इज स्केट सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ ए डी ए डी ए मीन्स एडिनोसिन डी एमिनेज ये जो इंजाइम होती है वो क्या था पेशेंट में डिफेक्टिव थी और ये जो इंजाइम होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेचोरेशन ऑफ द लिम्फोसाइड्स सो नॉर्मल जीन वॉज ट्रांसफर्ड इन टू दिस एंड दस दिस इज़ द फर्स्ट क्लिनिकल एग्जाम्पल इन आर एन ए आई द जीन्स आर साइलेंसड यूजिंग आर एन ए इंटरफेरेंस यहाँ पर जीन्स जो साइलेंस की जाती है यानी कि जो डिज़ायर्ड जीन्स है हम उसको एक्सप्रेस होने से पहले उसको साइलेंट कर सकते हैं सो दिस टेक्निक इज़ नोन एज द आर एन ए इंटरफेरेंस टेक्निक और वो कैसे कर सकते हैं बाई द फॉर्मेशन ऑफ द डबल स्टैंडेड आर एन ए उसके बाद जो नाइसर एंड डाइसर उस पर एक्ट करते हैं and the gene get destroys. the protein a1 antitrypsin is used to treat the एक प्रोटीन है अल्फ़ा वन एंटी ट्रिप्सिन ये जो प्रोटीन है वो किसके लिए यूज़ की जाती है ये इन्फाइमा इन्फासीमा मतलब हो जाता है शॉर्टनेट ऑफ ब्रेथ यानी कि पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले सकता है ले पाता है और ये ऐसा क्यों होता है जो एल्विलाई है लंग्स में जो एल्विलाई है वो वहाँ पर एप नॉर्मल इन्फ्लेशन हो जाता है ई कोलाई आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ई कोलाई किसके प्रोडक्शन में यूज होती है तो आंसर इज द इंटरफेरॉन क्लॉट बस्टर ऑप्टेन फ्रॉम द स्टप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाई द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यहाँ पर क्लॉट ब्लड क्लॉट को डिजोल्व किया जाता है एक ऐसे केमिकल से जो कि ऑप्टेन होता है स्टप्टोकोकस से ठीक है और उसका नाम क्या हो जाता है उस इंसाइम का नाम है स्टप्टोकाइनेस पैथोफिजोलॉजी इज द पैथोफिजोलॉजी जहाँ पर भी वर्ड पैथो का गया इट मीनस टू द डिजीज यानी कि कुछ ऑल्टरेशन हो रहा है ऑल्टरेशन द फिजोलॉजी सो इट इज द स्टडी ऑफ दिस ऑल्टर्ड फिजोलॉजी ऑफ द होस्ट द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए डी ए इन द बॉडी एडिनोसिन डी एमिनेस जो इंसाइम जो लिम्फोसाइट सेक्रेट करती है ये पूछा गया है साइट ऑफ प्रोडक्शन द आंसर इज द लिम्फोसाइट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगॉर्डिंग द रेट्रोवायरस जो रेट्रोवायरस होता है वो आर एन ए को डी एन ए में चेंज करता है इट इज़ जस्ट एन एक्सेप्शन टू अवर द सेंट्रल डोगमा की यानी कि डी एन ए से आर एन ए आर एन ए के बाद प्रोटीन सो द चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एन आर एन ए वायरस दैट कैन सिंथिसाइज डी एन ए डरिंग द इन्फेक्शन येस इट दिट ये क्या होता है इसमें आर एन ए होता है और वो क्या कर सकते हैं डी एन ए के सिंथिसिस दिस इज द राइट स्टेटमेंट डी एन ए वायरस दैट कैन सिंथिसाइज आर आर एन ए द इन्फेक्शन इट इज़ रॉन्ग एंड आर टू ऑल्सो रॉन्ग सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बी टी कॉटन आर बी टी कॉटन मीन्स होता है बैसिलस थ्यूरी कॉटन में यहाँ पर क्या करेक्ट है सो हाई ईड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स विच डिप्टरेंट पेस्ट येस डिप्टरेंट पेस्ट को किल करता है और यहाँ पर जो प्रोडक्शन जो हमें प्रोडक्टिविटी मिलती है वो हाई एड और डिप्टरेंट मतलब क्या होता है कि फ्लाइज हो गए मॉस्कीटोज हो गए ठीक है सो दिस इज द राइट ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन प्रोटीन का अगर हम यहाँ पर सिंथेसिस कर रहे हैं एक बैक्टीरिया मेड बाई द यूज़ ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग सो वाई दिस ऑल कैन हैपन बिकॉज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी दिस इज़ द फुल फॉर्म और यही पूछा गया है तो दिस इज द राइट आंसर और ये क्या चीज़ गवर्न करती है ये जितने भी आ, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका सेफ्टी बायो सेफ्टी और रिसर्च के लिए अलाउ करना इस कमेटी का काम है सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन में सी पेप्टाइड क्या है यहाँ पर पूछा गया देखो जो ह्यूमन इंसुलिन होती है प्रो ह्यूमन इंसुलिन की बात कर रहे हैं प्रो ह्यूमन इंसुलिन में क्या होता है ए चेन होता है बी चेन होता है और सी चेन होता है लेकिन जब प्रो इंसुलिन जब इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो सी चेन जो होता है वहाँ से इलिमिनेट हो जाता है सो नो लेटे सी द ऑप्शन अ पार्ट ऑफ द मेच्योर इंसुलिन दिस इज रॉन्ग अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डाई सल्फाइड ब्रिजेज रिमूव फ्रॉम द मेच्यूरेन्सुल टू इंसुल दिस इज द राइट ऑप्शन टोबेको प्लांट रेजिस्टेंट टू एनटोट है इंट्रोडक्शन ऑफ डी एन एट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल्स यहाँ पर देखो टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट ये यह यहाँ पर डेवलप किया गया है कैसे बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द डी एन ए इन द प्लांट इन द होस्ट सेल्स तो ये फाइनली काम कैसे करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आर एन ए आर एन ए आई का एग्जाम्पल है सो दिस इज़ द राइट आंसर बी टी टॉक्सिन इज़ हार्मफुल टू इंसेक्ट्स लाइक बी टी टॉक्सिन जो किस कौन से इंसेक्ट के लिए वो हार्मफुल है तो आंसर इज द ऑल ऑफ द एब यह आप यहाँ से याद कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल लैपिडो तो ये कौन कौन सी क्रॉप में डेवलप किया जा चुका है कॉटन कॉर्न राइस पोटैटो सोयाबीन तो ये ऑल ऑफ द एबव तो जेनेटिक मोडिफाइड जी एम ब्रिंजल इन इंडिया हैव बीन डेवलप्ड फॉर तो जी एम ब्रिंजल भी लिए डेवलप किया गया था इंसेक्ट रेजिस्टेंट दिस इज द राइट आंसर बीटी टॉक्सिन द लार्वा ऑफ द सर्टेन इंसेक्ट बाई वहां पे मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है कि किस तरह से बीटी टॉक्सिन लार्वा के लार्वा को डिस्ट्रॉय करता था किल करता था तो चूंकि जो मिड गट का पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है तो ये टॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो बाइंड करती है मिड गट इपिथिलियल सेल्स क्रिएटिंग पोस्ट लीडिंग टू द स्वेलिंग एंड द लाइसिस सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द कोक्निशिया, सो ये एक नेमाटोड है इससे कौन सी डिजीज होती है जब वो इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट तो ये कहाँ पर इन्फेक्ट करता है पहला तो ये रूट पे इन्फेक्ट करता है और जो नाम हो जाता है रूट नॉट डिजीज विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटर the GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM organism for फॉर पब्लिक सर्विसेज तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो कमेटी है दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी सो दिस इज द राइट आंसर अ न्यू वेराइटी ऑफ द राइस वॉज पेटेंटेड बाई द फॉरिन कंपनी दो सच वेराइटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस इज रिलेटेड टू यहाँ पर पेटेंट की बात हो रही है राइस की और ये किसने किया था फॉरेन कंपनी ने कौन सा ऐसी कंपनी कौन सी ऐसी राइस को पेटेंट किया था जो कि इंडिया में पहले से ही बहुत समय से यहाँ पर प्रेजेंट था तो द आंसर इज द बासमती लेकिन अभी इंडिया ने हल्दी और नीम का तो पेटेंट करा लिया है ये हमसे चांस मिस हो गया था हु गेव द डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ पर किसने दिया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ये किससे डिराइव होता है डी एन ए पॉलीमरेज वन डन ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग किया जाता है डीएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं आरएनए के लिए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं प्रोटीन्स के लिए अब ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो भी हमें फ्रैगमेंट्स मिले हैं जेल में उसको ट्रांसफर करना कहाँ पर नाइट्रोसेलुलोस शीट में सो दिस इज द राइट आंसर ट्रांसफर ऑफ द डीएनए एन ए फ्रैगमेंट्स फ्राम अलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू ए नाइट्रोसेलुलोस शीट सो दिस इज द राइट आंसर एलाइजा इज अ इलाइजा का फुल फॉर्म होता है इन्ज़ाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यहाँ पर जो भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन को चेक करने के लिए जो इंजाइम रिएक्शन होती है कि इंजाइम में हम सबस्टेट ऐड करते हैं तो यहाँ पर कलरफुल प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड आउट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सो हेयर दिस इज द राइट ऑप्शन एडिशन ऑफ द सबस्टेट दैट इज कन्वर्टेड इन टू द कलर एंड प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू जिसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फ्लेवर्स सेवर वैराइटी ऑफ द टोमैटो एज इनहस प्रोडक्शन ऑफ द एथलीन विच इम्प्रूव्ज इट टेस्ट इट इज रॉन्ग क्योंकि फ्लेवर्स फ्लेवर तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए किया जाता था एथिलीन के लिए नहीं द क्वागलेन एंटी क्वागलन हीरोडिन इज बिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस येस इट इज़ करेक्ट सोमेटिक हैब्रिटाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द टू कंप्लीट प्लांट्स एल्फ कंटेनिंग द डिजायर्ड जीन्स दिस इज रॉन्ग बी टी इन द कॉटन

किससे हमें मिलता है बेसिलसथ्रीजेंसिस एक बैक्टीरिया है और वो किसके अगेंस्ट होता है इट इज अगेंस्ट द बॉल वॉम्स इन बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट द प्रोसेस ऑफ हारनी इंटरफेरेंस बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंट टू ये जो आर एन इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है वो किसके अगेंस्ट है नेमाटोड्स यानी कि रूट नॉट डिजीज टू में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज डिस्कवर्ड बाय ये रिकॉम्बडेंट डी एन टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया है कोहेन एंड बोर्ड ने बायो पायरेसी इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग ट्रेडिशनल नॉलेज बायो मॉलिक्यूल्स एंड बायो रिसोर्सेज आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम द बायो रिसोर्सेज बायो रिसोर्सव तो दिस इज द राइट आंसर मतलब अगेंस्ट किसी की परमिशन के अगर हम ये सब यूज़ कर रहे हैं तो दिस कम्स इन द बायो पायरेसी सम बैक्टीरियाज अगर बी सेवन टॉक्सिन क्रिस्टल नॉट किल द बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ यानी कि कुछ बैक्टीरिया में वो किल नहीं होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टॉक्सिन सो ऐसा क्यों होता है बिकॉज दिस टॉक्सिन जो क्या होता है इनएक्टिव होता है बी सेवन टॉक्सिन इज बी सेवन जो टॉक्सिन होता है वो कैसा उसका नेचर कैसा होता है दैट इज अ इंट्रा सेलुलर लिपिड और इंट्रासेलुलर क्रिस्टल प्रोटीन येस दिस इज द राइट आंसर इंट्रासेलुलर क्रिस्टल प्रोटीन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द टी आई प्लाजमिट यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑपटेनड फ्रॉम ये जो टी आई प्लाज्मिट है किससे ऑप्टेन करते हैं बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इंसेक्टिसाइड पाई रिथम इज प्रिपेड इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द क्राएंसिथीम द शीप डॉली वॉज क्लोन्ड बाई यूजिंग द सुमैटिक सेल्स फ्राम द डोनर डोनर के किस कौन से सेल से लिया गया था टंग दिस इज द राइट आंसर द कन्फर्मेटरी टेस्ट टू डायग्नोज द एड्स इज कन्फर्मेटरी टेस्ट तो हमेशा देखो इलाइजा सही करेंगे हालांकि इनिशियल टेस्ट जो कर सकते हैं वो पी सी आर से होता है जेन नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज़ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसको कहा गया है दैट इज द आंसर इज द एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसको कहा गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को बी टी टॉक्सिन बी टी टॉक्सिन इज इंट्रस्टल क्रिस्टलाइन प्रोटीन फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द माइक्रोबियल क्लोनिंग इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग पहला जो बायोकेमिकल यूज यहाँ पर बना था वो था ह्यूमन इंसुलिन एंटीकॉगलेट हीरोडिन इज फाउंड इन हीरोडिन ये किसमें फाउंड होता है लीच में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इन प्लांट इज बी टी द स्पिस यूज अफ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज इट इज़ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस मोस्ट वाइडली यूज बायो वेपन इज इसका आंसर हो जाएगा बेसिलस एंथ्रासिस क्योंकि एंथ्रैक्स कॉज करता है इसके जो स्पोर्स होते हैं इट कैन सर्वाइव इन वेरी एडवर्स कंडीशन सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू